सरला चील या हवाई जहाज की तरह आसमान में उड़ना चाहती है। क्यों नहीं, जरूर तुम उड़ सकती हो, उसकी नई अध्यापिका ने कहा। अब सरला उड़ान और हवाई जहाज के बारे में अपनी जानकारी आप सबसे साझा कर रही है। कहानी का शीर्षक है हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं। ओरिजिनल स्टोरी इन इंग्लिश, हाउ डू एरोप्लेन्स फ्लाई। लेखिका अदिति सारावागी, हिंदी में अनुवाद किया है आरती समीत और चित्र बनाए हैं लावण्या कार्तिक। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। सरला को उड़ती चिड़िया देखना पसंद था। एक दिन विज्ञान की कक्षा में खिड़की के बाहर वो आकाश में पंख फैलाए उड़ती चील को देख रही थी। वो पक्षी कितना खुश होगा। उसे हवाई जहाज को उड़ते देखना भी बहुत पसंद था। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें बोर्ड पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कक्षा में पढ़ा रही नई अध्यापिका ने कहा। सरला हड़बड़ा कर खड़ी हो गई और बोली, सॉरी मैडम, मैं चील को देख रही थी। काश हम भी चिड़िया की तरह उड़ पाते या फिर एक हवाई जहाज की तरह। तुम्हारा नाम क्या है? सरला। अरे वाह, क्या तुम जानती हो कि भारत की पहली महिला विमान चालक यानी कि पायलट का नाम भी सरला था? मेरा नाम हंसा है, मतलब हंस। क्या तुम जानती हो कि हंस भी उड़ने वाले बड़े पक्षियों में से एक है? अध्यापिका ने कहा। सरला, तुम्हें कुछ समय पुस्तकालय में बिताना चाहिए यानी कि लाइब्रेरी में। वहाँ पक्षियों और विमानों के बारे में बहुत सी किताबें हैं और यंत्रों के बारे में भी, जैसे कि हवाई जहाज। कुछ ही दिनों में वो पशु पक्षियों के बारे में बहुत कुछ जान गई और ये भी कि हम हवाई जहाज की तरह क्यों नहीं उड़ सकते। सरला ने सीखा कि मानव भी उड़ सकते हैं पर पक्षियों की तरह नहीं। हम मनुष्य के एक महान आविष्कार हवाई जहाज में बैठकर विश्व के किसी भी नगर से उड़ान भर सकते हैं। इस महान यंत्र की सहायता से हम हवा में उड़ने का मजा ले सकते हैं। पक्षी हवाई जीव होते हैं जिन्हें उड़ने के लिए बाहरी यंत्र की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर एक पक्षी के पंख उसके शरीर से बड़े होते हैं। पंख बड़े हल्के होते हैं और इसलिए वे उड़ पाते हैं। हवाई जहाज बहुत बड़े और बहुत भारी होते हैं। उसके दोनों किनारे पर पक्षी की तरह ही पंख बने होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इन जहाजों के पंखों की बनावट ठीक पक्षियों के पंखों जैसी होती है, नीचे से सपाट और ऊपर से मुड़े हुए, जो उन्हें आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ने में मदद करते हैं। पक्षी उड़ने के समय अपने पंख फड़फड़ाते हैं, लेकिन हमने हवाई जहाज के पंखों को फड़फड़ाते हुए कभी नहीं देखा। पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं ताकि वे अपने शरीर को ऊपर धकेलने में हवा का उपयोग कर सके। हवाई जहाज भी हवा के दबाव की मदद से ही उड़ते हैं। ये यंत्र अपने अंदर लगी इंजन के सहारे विमान के नीचे का हवा का दबाव बनाता है। इंजन बहुत ही मजबूत यंत्र है जो हवाई जहाज के दिमाग की तरह तेज काम करती है। जिस तरह पक्षी अपना दिमाग लगाते हैं और सीखते हैं कि कैसे उड़ा जाए, वैसे ही इंजन विमान को जमीन से ऊपर की ओर धकेलती है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। जब विमान की इंजन ईंधन को जलाती है तो वे बहुत ही तेज गति से गर्म गैस छोड़ती है, जिससे इंजन के पीछे हवा का दबाव बनता है और उससे विमान आगे बढ़ता है। कार एवं अन्य वाहन भी इंजन की सहायता से ही चलते हैं, मगर वे विमान की तरह आसमान में उड़ नहीं सकते। हवा विमान के उन पंखों के ऊपर और अंदर बहती है जो पक्षी के पंख जैसे होते हैं। इन्हीं के दबाव से विमान ऊपर उठते हैं और टिके रहते हैं। विमान की भी पूंछ होती है, बिल्कुल चिड़िया की तरह, जो उन्हें हवा में टिकने और दिशा बदलने में मदद करती है।
विमानों को उड़ान भरने और उतरने के लिए बड़ी लंबी सड़क की जरूरत होती है। इन लंबी सड़कों को रनवे कहा जाता है। विमान को उड़ान भरने और उतरने से पहले रनवे पर बहुत ही तेज गति से दौड़ना होता है। हवा में ऊपर उठने के लिए विमान को बहुत ही तेज गति की जरूरत होती है। अधिकांश हवाई जहाज तभी उड़ पाते हैं जब वे बहुत ही तेजी से दौड़ते हैं। रनवे हवाई अड्डा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हवाई जहाजों को अपनी गति बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय देता है और अंत में वे उड़ान भरते हैं। विमान जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है क्योंकि विमान चालक उन्हें चलाते हैं। ये चालक विमान के अंदर सामने की एक जगह जिसे चालक स्थल यानी कि कॉकपिट कहते हैं, उसे उन्हें नियंत्रित कंट्रोल करते हैं। वे बहुत ही सटीक और आधुनिक डिवाइसों के द्वारा हवाई अड्डों, मतलब एक जगह जहां हवाई जहाज उड़ान भरते और उतरते हैं, जिसे हम एयरपोर्ट कहते हैं, उनके साथ संपर्क में रहते हैं। जिस तरह हमारी मदद के लिए सड़क पर सिग्नल और पुलिस होती है, वैसे ही वायु यातायात नियंत्रक, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, जो विमान चालक को बताते हैं कि कब और किस ओर उड़ान भरनी है और कब उड़ान भरना या उतरना सुरक्षित होगा। विमान वास्तव में एक विशाल पक्षी है। न सिर्फ इसका आकार पक्षी की तरह है बल्कि ये उड़ते भी है। हालांकि पक्षियों की तरह नहीं, सरला बड़ी होकर विमान चालक बनना चाहती है और हवाई जहाज उड़ाना चाहती है। बच्चों, कहानी तो यहाँ खत्म हो गई। अब थोड़ी सी जानकारी। क्या आप जानते हैं, भारत का पहला वायु विमान हार्लोव था जिसने जुलाई 1941 में पहली उड़ान भरी। विश्व में सबसे तेज जेट वायु विमान लोकहीड जेट वायु विमान 71 ब्लैकबर्ड है, जिसकी उड़ने की गति ध्वनि की गति से भी अधिक तेज है। भारत में विमान चालक का सबसे पहला अनुज्ञापत्र यानी कि लाइसेंस JRD टाटा को एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा की ओर से फरवरी 1929 में दिया गया। सरला ठकराल पहली भारतीय महिला विमान चालक थी। ये विश्व की पहली विमान चालक थी जिन्होंने एक बार में 1000 घंटे से अधिक हवाई यात्रा की। अभी कुछ खेल, चलो उड़ान भरे। दोस्तों के साथ इन खेलों के मजे ले, कागज के हवाई जहाज बनाओ और देखो कि किसका जहाज सबसे दूर जाता है। जरा सोचो, क्यों, क्या ये कमाल कागज का है या उसके बनाने के तरीके का? गौर करो, क्या होता है जब कोई जहाज छोड़ा जाता है? जब तुम जहाज को छोड़ने के पहले उसके ऊपर फूंक मारते हो या उसके अंदर या कि उसके नीचे, तब क्या वहां कोई अंतर दिखता है? और एक खेल है फ्लाई डोंट फ्लाई, ये है गेम। मित्रों का एक समूह बनाओ और एक दूसरे को बिना छुए कमरे के चारों तरफ जहाज की तरह उड़ो। डैन जिस पे है एक कोने में खड़ा होकर उड़ने वाली और ना उड़ने वाली चीजों के नाम कहेगा। जैसे ही वो किसी ना उड़ने वाली चीज जैसे कि मेज टेबल कहे, तो जहाजों को जमीन पर उतरना यानी कि बैठ जाना होगा। जो गलती करेगा वो अगला डैनर होगा। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।